पावर स्टार पवन सिंह के लिए क्यों खास है स्त्री टू का गाना, किस तरह से उन्हें मिला और किस तरह से उन्होंने कितने कम समय में इसे कंप्लीट किया, आपको चलिए आज हम बताते हैं। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह खुद कह रहे हैं कि ये गाना उन्होंने महज आधे घंटे में एक टेक में गा दिया था। जी हाँ, आपको ये बता दें, अगर आप ये गाना सुनेंगे तो बहुत हाई पिच का गाना है ये। ये गाना काफ़ी कठिन पवन सिंह को लगा था जब उन्होंने पहली बार सुना था। फिर उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर को कहा कि क्या वो गाना ये गा पाएंगे, और खुद पवन सिंह इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उन्हें एक बार तो शक हो चुका था कि वो गाना ये गा पाएंगे भी या नहीं, लेकिन पवन सिंह खुद कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद था कि ये गाना उन्होंने महज आधे घंटे में एक टेक में ही कर लिया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये गाना उन्हीं के स्टूडियो में कंप्लीट उन्होंने किया। जी, लखनऊ में पवन सिंह का कट, पवन सिंह ने अपने लखनऊ वाले घर में एक स्टूडियो बनाकर रखा है, उसी में उन्होंने ये गाना कंप्लीट किया। ये सारी गाने की कहानी पवन सिंह ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। साथ ही जब राजकुमार राव ने को पवन सिंह ने ये बताया कि उन्होंने पहली मर्तबा किसी बॉलीवुड के बड़े स्टार को अपनी आवाज़ दी है, वो कोई और नहीं राजकुमार राव हैं, तो खुद राजकुमार राव भी खुश हो गए और उन्होंने इसे अपना ऑनर बताया।